समर्पित जीवन की जाएं। श्रोता भाई और बहनों नमस्कार, प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम समर्थी जाएं जीवन की राहें, जो आप तक पहुंचता है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से। आज का विषय है दिव्यांग जन हेतु उद्यमिता तथा कौशल विकास योजना। दिव्यांग जन नहीं है किसी से कम, क्यों रहे पीछे, कौशल का करें विकास, रोजगार का कोई हुनर सीखें, बराबरी से रोजगार मिले उन्हें, भारत सरकार ने ये ठाना है। दिव्यांग जन को अपना कौशल विकास कर अपना हक पाना है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुस्कान और हर्ष का नमस्कार। श्रोताओ, देश के हर नागरिक का हक है अच्छा रोजगार, अच्छा जीवन। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को भी अब ये अधिकार मिलना ही चाहिए। दिव्यांग जन किसी से कम नहीं है, वो भी अपना खुद का काम करना चाहते हैं या अपने हुनर के बल पर नौकरी या रोजगार पाना चाहते हैं। जी हाँ, सब जानते हैं कि खुद का कारोबार करना हो या नौकरी पानी हो, हुनर का होना जरूरी है। यानी किसी काम के बारे में ठीक से जानना, वो काम कैसे किया जाता है, उसे करने की लेटेस्ट तकनीक क्या है, ये सब जानना ही तो है हुनर यानी कौशल का विकास। प्रभात भी ऐसे ही एक दिव्यांग युवक हैं। उन्हें भी जरूरत है कौशल विकास की। उन्हें अपना जीवन संवारने की राह कैसे मिली, आज हम यही जानेंगे। पशोता, पहले एक अच्छा सा गीत हो जाए तो कैसा रहेगा। तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो कालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ा श्रोताओं, गीत से पहले हम आपको प्रभात के बारे में बता रहे थे। एक युवा दिव्यांगजन जिन्हें अच्छे रोजगार के लिए हुनर यानी कौशल विकास की जरूरत है। जब भी उन्हें मौका मिलता वो इसकी चर्चा करते। एक दिन यही चर्चा उन्होंने विद्या बहन से भी कर डाली, जो कि एक समाज सेविका है, और उस दिन जैसे उन्होंने सही दरवाजे पर दस्तक दे दी। विद्या बहन जी, मैं शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपनी मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। ये बाकी सभी के लिए भी प्रेरणा की बात है प्रभात। पर बहन जी, इसके बाद बारी आती है रोजगार की। अब देखिए ना, मैं चाहे अपना काम करूं या कहीं नौकरी करूं, पर कुछ भी करने के लिए मुझे किसी काम की जानकारी होनी चाहिए। वो काम कैसे किया जाए, उसे करने की एकदम लेटेस्ट तकनीक क्या है, जब तक मैं ये नहीं जानूंगा तब तक ना मैं खुद का काम कर सकता हूं और ना ही मुझे नौकरी मिल सकती है। आपने बात को अच्छी तरह समझ लिया है प्रभात। ये सब जानने को ही कौशल विकास कहते हैं। अच्छा, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सुना है। उसी के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई है, दिव्यांगजन हेतु उद्यमिता तथा कौशल विकास योजना। अच्छा, इसका उद्देश्य यही है दिव्यांगजन में अपना उद्यम करने या रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करना। विद्या बहन जी, इसका फायदा मुझ तक पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा प्रभात। देश में जितने भी दिव्यांगजन हैं, उनकी एक बड़ी संख्या गांव में है। जी। इस दिव्यांगजन हेतु उद्यमिता तथा कौशल विकास योजना का उद्देश्य है कि गांवों तक भी कौशल विकास को पहुंचाया जाए। ऐसा हो जाए तो दिव्यांगजन भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे बहन जी। ये जरूरी भी है प्रभात। ऐसा ना होने पर देश का ही नुकसान है। विश्व बैंक ने भी ये माना है कि दिव्यांगजन को अर्थव्यवस्था से बाहर छोड़ने के कारण हमारे देश की जीडीपी में 5% से 7% का नुकसान हो रहा है। विद्या बहन जी, अगर सारे दिव्यांगजन भी उद्यम या रोजगार से जुड़ जाएं, तो देश की स्थिति कितनी बेहतर होगी। इसीलिए तो भारत सरकार ने ये दिव्यांगजन हेतु उद्यमिता तथा कौशल विकास योजना बनाई है, ताकि इस दिशा में की जा रही सारी कोशिशों को जोड़कर ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो दिव्यांगजन को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाए,
उनकी भी राह जगमगाए और देश की भी। अच्छा विद्या बहन जी, आपने जिक्र किया की जा रही कोशिशों का, तो वो कोशिशें कौन सी हैं जो अभी की जा रही हैं? अभी भी दिव्यांगों में कौशल विकास के लिए भारत सरकार काफी काम कर रही है, जैसे NHFDC। ये क्या करती है बहन जी? ये दिव्यांगजन में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की 100% तक आर्थिक मदद करती है। अच्छा। और प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांगजन को रियायती ब्याज पर वित्तीय सहायता दी जाती है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंस तथा ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने का भी प्रावधान है। ये तो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा काफी अच्छा काम है। इसके अलावा 15 से 35 वर्ष के दिव्यांगजन में कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को वित्तीय सहायता देती है। साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की निगरानी में काम कर रहे 7 राष्ट्रीय संस्थान भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यानी दिव्यांगजन से संबंधित जो भी सही कौशल विकास हो उनकी परिस्थिति को देखते हुए वो उन्हें दिया जाता है। बिल्कुल। एक और योजना है SIPDA यानी सिपड़ा। इसमें दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन राज्य सरकार तथा स्वायत्त संगठनों को सहायता दी जाती है। सच कहूं विद्या जी, मुझे सच में इस सब के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए तो मैं बता रही हूं। इन कामों के अलावा पूरे देश में 21 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। अच्छा। उनका काम दिव्यांगजन को जरूरी कौशल सिखाना है। तो इस राष्ट्रीय कार्य योजना में क्या काम किया जाएगा? इस योजना में हर दिव्यांगजन खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजन को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कौशल विकास मिशन के साथ मिलकर काम करेगा। फिर तो लाभ के नए अवसर खुलेंगे। इसमें क्या शक है, इस योजना में उच्च रोजगार प्रमाणता के साथ गुणवत्ता का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पद्धति का विकास किया जाएगा। वाह। सिलेबस और प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का सही इस्तेमाल किया जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ विद्या बहन जी, दिव्यांग जन को सही कौशल प्रशिक्षण मिल जाए एकदम सही और लेटेस्ट, तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। ये सच हम सब जानते हैं, इसीलिए तो भारत सरकार ने उन्हें सक्षम बनाने के लिए इस योजना का आरंभ किया है, जिसकी पूरी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट से मिल सकती है। जी। शुरुआत हो चुकी है, सुनहरा कल सामने है। चांद तारे तोड़ लाओ सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। और अब बारी है इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें पोस्टकार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं ₹200 का नकद इनाम। साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें एक सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। और हाँ श्रोताओ, ईमेल या पत्र लिखते समय एपिसोड नंबर और अपना मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर DD28 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना किस विभाग की देखरेख में चलाई जा रही है? प्रश्न एक बार फिर, दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना किस विभाग की देखरेख में चलाई जा रही है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें, संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर DD28, पोस्ट बैग नंबर 3, नई दिल्ली 110024। हमारा ईमेल आईडी है radio.sjjr2012@gmail.com। श्रोताओ, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। DDG दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर 530, ब्लॉक B3, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। फोन 2436906। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in से भी जानकारी ली जा सकती है। तो अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जीवन की राहें।